हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल LWT जॉब में। काफ़ी अच्छी जो है न्यूज़ है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय से 3,668 शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती होगी। जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक रहेंगे तो इस न्यूज़ को जो है वो ध्यान से आप लोगों को देखना है। कस्तूरबा गांधी स्कूलों में 3,668 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें से 153 प्रधानाध्यापक रखे जाएंगे और 918 शिक्षकों को रखा जाएगा। इससे पहले जो है प्रधानाध्यापक की वैकेंसी इसमें नहीं आ रही थी, बट ये भी जो है इसमें शामिल कर दी गई है। और बाकी जो है शिक्षकों के अलावा जो है गैर शैक्षिक पद इंटर तक जो है उच्चीकृत हुए स्कूल, यहाँ पर जो है वैकेंसी होगी। तो ये न्यूज़ जो है वो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को इंटरमीडिएट तक विज्ञान वर्ग की पढ़ाई का अवसर मिलेगा। प्रदेश में 442 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को उच्चीकृत किया गया है। इनमें 153 विद्यालयों में एकेडमिक ब्लॉक बनाया गया, क्योंकि यहाँ 3 किलोमीटर की परिधि में कोई सरकारी इंटर कॉलेज नहीं है। ऐसे में यहाँ शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पदों पर भर्ती होगी। वहीं पर 289 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में छात्रावास बनाए गए हैं। इन छात्रावासों में रहने वाली छात्राएं पास के सरकारी इंटर कॉलेज में पढ़ेंगी। ऐसे में यहाँ गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती होगी। तो ये वैकेंसी संविदा के आधार पर ही रहती है स्टार्टिंग में, आप सभी जानते हैं, और उसके बाद जो है आगे बढ़ाते जाते हैं। कुल 3,668 शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती होगी। अभी तक इन कस्तूरबा गांधी विद्यालय में क्लास 6 से 8 तक की पढ़ाई होती थी, ठीक है, लेकिन अब जो है कक्षा 9 से इंटरमीडिएट तक विज्ञान वर्ग की पढ़ाई 2024-25 से शुरू करने की तैयारी है, जिसमें 153 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में एकेडमिक ब्लॉक बनाकर परिषद में ही कक्षाएं लगाई जाएंगी। प्रत्येक स्कूल में 6-6 शिक्षक रखे जाएंगे और प्रत्येक में एक एक कार्यालय अधीक्षक पद पर भर्ती होगी। कुल 153 कार्यालय अधीक्षक रखे जाएंगे। वहीं 3-3 लैब असिस्टेंट भर्ती होगी। ऐसे में कुल 459 लैब असिस्टेंट की भर्ती होगी। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के इच्छुक रहेंगे, आप किसी भी राज्य के कैंडिडेट हैं, आपने BEd किया हुआ है, आपने सब्जेक्ट जो है स्नातक में 3 साल पढ़ा है, तो आर्ट्स की और साइंस की वैकेंसी इसमें आएगी। इंटर तक जो है यहाँ पर शिक्षक लिए जाएंगे, तो तैयार रहे। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है जिले वाइज, बिल्कुल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो ये वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश में जो है खासकर निकाली गई है, ठीक है, और भी स्टेट की बिल्कुल आएगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। थैंक यू।